मेरा नाम अयोध्या प्रसाद है, मैं नेपाल बॉर्डर का हूँ। नेपाल बॉर्डर सातो गांव। मेरा गांव धाटपुड़वा है। अच्छा, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप फ्रेशर थे, आप काम जानते थे पहले नहीं से? सर, मैं फ्रेशर था, इस लाइन में कभी आया ही नहीं था सर। अच्छा, कभी नहीं आए थे। तो हाँ सर। आपने कभी फोन खोला या कभी मदरबोर्ड नहीं हाथ नहीं में, नहीं सर, कभी नहीं खोला फोन। कभी मदरबोर्ड देखा था हाथ में नहीं लेके? सर, मुझे इसका क्या कहते हैं जो कंपोनेंट होता है उसे भी नहीं पता था कि किसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं सर, ये भी नहीं पता था। अच्छा, तो आपने जो काम सीखा है वो किस तरीके से सीखा है? जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए। और जैसा आप फ्रेशर हैं, आपने काम सीखा है, और जो फ्रेशर हैं वो सोचते हैं कि कम फीस ले रहे हैं, तो क्या आप कम सिखाएंगे? नहीं सर, कम तो नहीं हुआ सर। और जो फ्रेशर हैं वो यहाँ पे आके सीख सकते हैं, नहीं हाँ सीख सर, सकते? मैं सर इतना क्या कहते हैं जो आप मॉस्फेट और जैक ये सब नाम ले लेते थे सर, तो मैं उसी में कंफ्यूज था। मैं खाली इसको कनेक्टर के नाम से जानता था सर, और दो तीन दिन तो सर मैं उसी में कंफ्यूज था किसको जैक कहते हैं किसको क्या कहते हैं। अच्छा, फिर आप जैसे शुरू में एडमिशन लिए थे, क्लास स्टार्ट हुई थी, तो क्या आपको लग रहा था मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख नहीं पाऊंगा? सर, 3 दिन तो मैं डिस्टर्ब ही था दो कि तीन दिन होगा नहीं होगा सर, डिस्टर्ब ही था, लेकिन अब खुश हूँ सर। अच्छा, जो अब आप सीखे हैं, आपको लगता है क्या रिपेयरिंग कर लेंगे दुकान पर? नहीं, हाँ सर, रिपेयरिंग कर लेंगे सर, रिपेयरिंग कर लेंगे आप? रिपेयरिंग कर लेंगे सर, और सॉफ्टवेयर भी डाल लेंगे सर, सब पूरा हो गया है मेरा। किसी फोन को लॉक तोड़ना, FRP करना, जीमेल आईडी हटाना, पिन पैटर्न खोलना, हाँ सर, सब कर तो लेंगे, जो काम आपने किए हैं वो एक थ्योरिकल किए हैं, प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया है सर। मेरे हाथों से हुए हैं नहीं आपके? सर, मैं खुद किया हूँ, एक एक चीज़ को सर दस दस बार इस्तेमाल किया हूँ, उसको किया हूँ बार बार करके। अच्छा, जैसे कि जो भाई फ्रेशर हैं आना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम फ्रेशर हैं, कोचिंग में काम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर सर यहाँ आके कोई नहीं सीख पाया तो कहीं नहीं सीख पाएगा सर, और सर का व्यवहार भी इतना अच्छा है सर, फ्रेंडली की तरह रहते हैं, एकदम दोस्त की तरह। और रहने खाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं नहीं हुई सर, किसी भी रहने खाने प्रकार में की? कोई परेशानी नहीं है सर, खाना बना मिलता है, और बकायदा सर बेड है। कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं नहीं लिया? सर, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं पड़ा सर। हम बताते हैं वीडियो में कि रहना खाना हमारा फ्री है, तो उसके पैसे तो नहीं लिए आपसे अलग से? नहीं अच्छा, सर, नहीं, अलग से नहीं लिए पैसे सर। जो आपने काम सीखा है उसके लिए आपको मोबाइल, केबल, टूल्स, UMT या UFI, जो भी आपने सीखा जितना भी, वो आपको हाथ में प्रैक्टिकल करने के लिए दिए खुद से या नहीं? नहीं सर, हार्ट से प्रैक्टिकल ही किया है, खुद से किए हैं सर उसे। आपने जो भी प्रैक्टिकल किया अपने हाथों से किए हाँ हैं? सर, अपने हाथों आप से सही किया। कह रहे हैं या वीडियो बनने की वजह से झूठ नहीं कह रहे सर, हैं? सही क्यों कहेंगे सर, मेरा 25,000 रुपया लगा था सर, झूठ क्यों बोलेंगे। तो आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? नहीं सर, सही बोल रहे हैं। एक होता है कि जैसे वीडियो बना रहे हैं तो कह देते हैं कि अच्छा अच्छा कह दो, नहीं सर, किसी को विश्वास ना हो तो मेरे पास आके वो करवा सकते हैं सर, मैं करके दिखाऊंगा उसे। तो आप अपना गांव का नाम बता दो एक बार, आप किस अपने कौन से गांव से हैं? मेरा गांव का नाम सर धाठुपुरवा है, मौजा मोटीपुर लगता है। अच्छा, ठीक है। तो जो भी भाई फ्रेशर हैं, काम सीखना चाहते हैं, कम पैसे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे पास में हाँ आ सर, सकते हैं। हाँ सर, और अभी जो है नया कोर्स जो स्टार्ट किया है, उसमें आपका 40 दिन का टाइम दिया है, हाँ सर, और उसमें जो आपका रहना खाने के साथ में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी उसी में फ्री करा रहे हैं। जो भी ठीक नया है, बैच बुकिंग हो रही है उनकी, उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ सर, जैसे कि आपको फ़ोन का, जैसे कि डिस्प्ले में लाइट नहीं आता या टच नहीं चलता, वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाएं ठीक करके, ऐसे ऐसे ठीक हाँ करके सर, हाँ प्रैक्टिकल में दिखाएं सर। दिखाएं, हाँ सर, जैसे सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग कैसे निकालेंगे, रोजिन के द्वारा, DC मशीन के द्वारा, वो चीज़ें आपने देखी? हाँ सर, सब पूरा देखे सर। तो वो सॉर्टिंग निकाल के आपको दिखाए थे, हटी या नहीं हटी? हाँ सर, दिखाए थे स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में आपको क्या पता था आने से पहले? सर, उसके बारे में तो हम सुने ही नहीं थे सर। अच्छा, जब आप स्कीमेटिक पे बैठे थे तो आपको क्या लग रहा था? एस्टिमेटिक पे भी सर लटक गए थे कि फिर सर धीरे धीरे सब आ गया। ऐसा तो नहीं हो रहा था जैसे कि स्कीमेटिक को छोड़ दें? नहीं सर, हो रहा था सर, मन में तो ऐसा ही आ रहा था कि मैं एस्टिमेटिक कर ही नहीं पाऊंगा सर, अच्छा, फिर फिर हो गया सर, करते करते सर आ गया। तो स्मेटिक जैसे किसी भी फ़ोन का आता है, तो आप बोर्नियो से या जो फ्री वाले स्मेटिक होते हैं उनसे आप किसी भी सेक्शन को रिपेयर कर लेंगे? हाँ सर, कर लेंगे रिपेयर। जैसे किसी फ़ोन में सिम नहीं चल रहा, या माइक स्पीकर नहीं बज रहा, टच नहीं चल रही है, ग्राफिक नहीं आ रहा है,
तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे। टूल हाँ सर चेक कर टेस्टिंग लेंगे। समझ में आ गया। हाँ सर और जैसा कि टूल टेस्टिंग के बाद में जो आपके वोल्टेज रहते हैं, किस सेक्शन में कितना वोल्टेज आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको इस मेडिक के द्वारा मिली होंगी, हाँ सर ठीक है। तो ये सब आपके प्रैक्टिकल हुए हैं थ्योरी, नहीं सर प्रैक्टिकल हुए हैं। ठीक है। और जो भी भाई आना चाहते हैं नेक्स्ट बैच में, वो अपना सीट बुकिंग करा सकते हैं। और कम पैसे लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम सिखाएं। नहीं सर मुझे लग रहा है कि अगर आदमी यहाँ ना सीखे सर यहाँ ना आए तो कहीं नहीं सीख सकता सर अगर यहाँ आके ना सीख पाए अच्छा तो। एक बात और बता दूँ, एक बात मेरे को ध्यान आई, एक होता है कि बैच में सीखना, हाँ सर एक होता है विदाउट बैच सीखना। हाँ सर तो इंसान जो भी सीखना चाहते हैं बैच में सीख सकते हैं या बिना बैच के। सर बिना बैच के भी सीख सकते हैं सर। तो आपका ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने 5-6 आपके स्टूडेंट साथ में नहीं जो, नहीं सर 5-6 स्टूडेंट के साथ में नहीं सर अपना अपना जो जिस स्टेप पे जा रहा है उसको इसी स्टेप पे बताया जा रहा है सर। तो आपको बैच में तो नहीं रखा? नहीं सर बैच में तो नहीं देखिए रखा। बैच में होता क्या है कि बैच में रखने से कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ चीज़ें आपकी हाँ छूट सर जाएंगी। बैच में होता तो मेरा कंप्लीट ही नहीं होता सर मैं आधा तो कंफ्यूज ही रहता लेकिन बैच में नहीं हुआ इससे मैं सर लगभग सब कुछ सीख अच्छा लिया हूँ। आप 1 महीने से हमारे यहाँ कोर्स कर रहे हैं, तो आपके सामने मैंने कोई 5-6 स्टूडेंटों का बैच तो नहीं बनाया? नहीं सर बैच नहीं होना सर। बैच नहीं बनाया हाँ ना, सर सबकी अलग अलग क्लास चलती है अलग ना। अलग क्लास जैसे चलती है कि सर। अलग अलग क्लास का मतलब है जैसे कि होम ट्यूशन होता है घर पे, हाँ सर उसी तरीके से क्लास नहीं है आपकी? हाँ सर इसी प्रकार से हुआ। चलिए ठीक है।